हेलो फ्रेंड, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक नवरात्र में खाने का बनाने वाले हैं फ्रेंड। ऐसा सिगार बना के आपको हम दिखाएंगे जो आप नवरात्र में खा सकते हो। देखो, मैंने एक एप्पल को घीस के रखा और एक आलू है घीस के रखा, ये एक कटोरी दूध और मिलाई है, ये थोड़ा सा अनार है जो मैंने छील के रखा है, शक्कर है, घी है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने गैस चालू कर दिया, पैन बैठा दिया है। हम घी डाल देंगे, आलू डाल लेंगे, हम आलू को फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ये हम खीर जैसा ही बनाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। ये मैंने जो एप्पल कद्दूकस करके रखा है, ये भी हम डाल लेंगे। डाल के चला लेंगे अच्छे से, भूज लेना है। ये हमारा भूज गया है, अब हम इसमें दूध डाल के भी बना लेंगे। तो हम अनार भी इसमें डाल देंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड। और हम इसमें शक्कर डालेंगे और उसके बाद ये कलर डालेंगे, मीठा कलर डालेंगे। ये देखिए मीठा कलर है, तो हम थोड़ा सा मीठा कलर डाल लेंगे, अच्छे से हिला लेंगे। यह आपको खाने में खीर जैसी लगेगी, लेकिन इसकी स्वाद, इसमें क्या है कि मैंने फ्रूट डाला है तो फ्रूट का इसमें टेस्ट आएगा। अब हम शक्कर डाल देंगे, हिला लेंगे अच्छे से, अच्छे से शक्कर मेल्ट भी होता है। कितना अच्छा लग रहा है ये फ्रेंड, हमारा खीर बन के तैयार हो गया। तो चलिए हम आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। गैस बंद कर देंगे हम फ्रेंड। देखिए, फ्रेंड देखिए मेरा खीर, देखिए मैं ऊपर से अनार डाल दूंगी। आप ज़रूर ये खीर बना के ज़रूर खाइएगा। आप एक बार खाओगे ना, कहोगे क्या क्या मस्त लग रहा है ये खीर, और इतनी टेस्टी लगती है खाने में, ये देखिए। और फ्रेंड, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फ्रेंड, बाय।